जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा कि मैं घर आ चुकी थी और मेरे घर आते तो खलारा एज यूजुअल वो का हुआ है। तो इस बार मैं बैग लेके आई हूँ भर भर के। पहला बैग ये रहा, ये मेरा पहले से पड़ा था। दूसरा वाला बैग ये रहा और तीसरा वाला बैग ये रहा। इसमें तो मतलब जो भी मेरी मेकअप की एक्सेसरीज है वही है। और अभी मेरा लुक देख सकते हो आप, मैंने नीचे कुछ और पहन रखा है, ऊपर कुछ और पहन रखा है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मैं एंगेजमेंट में क्या पहन के जाऊं और रेडी भी नहीं हुई हूँ। तो इधर मैंने वर्षा को कुछ काम पे लगा रखा है। एक्चुअली इस वाले जो कुर्ते की थोड़ी सी मैं भी शादी के बाद में ना थोड़ी सी गोली गोली सी हो गई, पहले कपड़े फिट आ जाते थे, तो इस तरह मैं इसकी सिलाई करवा रही हूँ। और सोचूंगी मैं कि इसको वाले को पहनूं या फिर मैंने अभी इसको खोला भी था, या फिर मैं इस वाले को पहनूं। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो अभी देखते हैं। और बाल आज पता नहीं क्या हो रखा है, इतने रफ हो रखे हैं, तो मैं पहले बालों में भर भर के सीरम डाल लेती हूँ और उसके बाद में मैं मेरी जो कैमरा मैन है ना गुन्नू, उससे मैं बालों को स्ट्रेट करवाऊंगी, वो जल्दी से कर देगी। और मैं यूज करती हूँ मैट्रिक्स का सीरम और मैं इसको लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी हाथ में ले ली है। और हमेशा मतलब कभी भी आपको बालों की जड़ों में इसको डालना है, मैं हमेशा बालों को ऐसे करके फिर डालती हूँ। और हमेशा सीरम को हल्के गीले बालों में यूज करना चाहिए। और जब भी मोस्टली आप स्ट्रेटनिंग वगैरह करते हो ना, तब आपको हमेशा बालों के अंदर सीरम यूज करना चाहिए, जिससे कि आपके बाल कम झड़ते हैं। तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। और वैसे भी हम लोगों को काफी ज्यादा लेट हो रहा है, 10 बजे का टाइमिंग तो हम लोगों को दिया हुआ था और 10 तो हम लोगों को घर पे ही बच चुके हैं। ये तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। और आज है मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट, तो उसका जितना हो सकेगा मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा आज का हमारा दिन रहा। पहले हम लोग जाएंगे लालू के घर पे, तो वर्षा भी मेरे साथ में जाएगी और अनुष्का अभी उसे आ रही है थोड़ी देर में, तो मैं अनुष्का और वर्षा यहाँ से लेंगे, लालू हम लोगों को वहीं पे ज्वाइन कर लेगी। तो आज के ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, क्या बने रहेगा, स्टे ट्यून्ड गाइस। हो गया है आज एक सुमन है अपना, मैं डब्बे उठा रही थी बोलो, लेकिन तो लाल लग रहा है इधर आ के अपना ब्राउन कर दे फिर ले। तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और ये है मेरा आउटफिट। और हम लोगों को काफी ज्यादा लेट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, जो लेट हो रहा है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये है मेरा फाइनल आउटफिट और इधर वर्षा भी रेडी हो चुकी है। तो ये है वर्षा का आउटफिट, तो इधर वाली वर्षा भी तैयार हो चुकी है। तो ये है वर्षा का आउटफिट। और वैसे इसकी हाइट है ना मेरे से कम है, इसने हील कुछ ज्यादा पहन रखी है, इसलिए मेरे बराबर मैचिंग नहीं लग रही है। अनुष्का भी आ चुकी है, इसको भी धूप लग रही है, ये वो चबाती आ रही अनुष्का का थोड़ा लगा तैयार हुआ मैंने। अनुष्का तैयार हो गई,
फॉर्मल तो मत ही कर दी। दूसरा गाना भी कर सकते मेरे कोई गाओ को नहीं करिए कोई कर लूंगी ज्योति पतली होगी है वो सही में होगी हां वो पतली भी होगी है और सब पतली होगी सही में सच में काल में दुर्गा बोल रही मुझे पतली होगी सही है बाबा ज्यादा मोटो को नहीं काम को तेरे पे सर्कल खिले है भाई डबल साइज है खिले है लालू मेरी भाई मेरी ताली सुनी मत खाई ताली मेरी बहुत ही सुनी है चाले अनु चाले अरे बारे दिक्को और कोई नहीं ये बात तो चाले चार बीच है बारे बस हाँ पापा ने तो फोन भेजी पापा जब तेरी ऐसी कैसी कुंडिया में मन दादा की कटिंग करा लेनी वे मन दादा बोल रहे हैं मुझे बारे माँ नहीं तो मैं लालू ये तो हम लोग अब सब रेडी हो चुके हैं अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कल्पना के घर पे कल्पना के फोन पे फोन फोन पे फोन आ रहा है फटाफट रवाना होता है फिर अब हम लोग निकल चुके हैं घर से और ये हमारी हेड प्रिंसिपल हम लोगों की और मजा आए इसका पूरा लुक हम लोग दिखाएंगे बाद में जब वो फुल तैयार होगी अभी हम लोग टाइम से पहुंच गए नहीं पहुंचे अभी हमारी ब्राइड तो तैयार हो रही है हम लोग बैठे ठाले घर से आने में तो हम लोगों ने इतनी जल्दी की चलती चलो चलती चलो यहाँ आने के बाद में आराम से बैठे इधर मैं बैठी इधर अनुष्का बैठी अनुष्का को मैंने बहुत वेट कराया ये ननिहाल के पास में एक घंटे तक वहाँ पे शराब का ठेका है उसके पास में खड़ी थी ये आने के बाद क्या बोले बोले मैं एक घंटे तक कमाई खड़ी थी लोग आने जाने वाले क्या बोले बोतल लेने का विचार बहुत देर तक वेट करी तो अभी मैं आपको कल्पना का लुक दिखाती हूँ कि वो पूरी तरीके से रेडी हुई है या नहीं तो एक बार अंदर अब तो दिग्गी कल्पना कल्पना से हाय शी इज नॉट रेडी यट अभी भी तैयार नहीं है क्यों पकड़ो लल्लू आना तो कटवा लिया आप छोड़ो नीचे कर दे हाथ तोड़ तोड़ना पड़ेगा यार असिस्टेंट मैं कुछ बोल रही है बात भी को बनाती हूँ मैं बता दे शिवान तो कहीं बोली जब तो वो जो भी है तो चुप ही रहे कहीं बोलिया बताओ लाएगी वो एक सेकंड आज कल तक भी उम्मीद उस वीडियो निकाल रहे थे फोटो और ठीक से तू चेक पर बैठे को मैं बैठे तो यहाँ पर हमारी ब्राइड इंगेजमेंट के फंक्शन के लिए रेडी हो चुकी थी हम लोग इसकी कुछ रील्स वगैरह बना रहे थे और मैं इसके लुक की कुछ फोटोज़ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी आप लोगों को भी देखना इसका मेकअप वगैरह कैसा लग रहा है और ये कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पर हम अपनी ही बातों पर हंसी मजाक कर रहे थे और उस साइड में कल्पना भी कुछ अपना शूट वगैरह करवा रही थी और मैं आपको एक रैंडम चीज़ दिखाती हूँ ये शूट करवा रही थी और पीछे से हबी जी मतलब जो जीजू हमारे वो आ गए थे ड्रेसअप चेंज करने के लिए तो
और तू से तो मौत का मैं कम ना अरे मर जा तू पटरी पर अरे लोग अंदर ही है एटलीस्ट आई देख लोग अलमारी पर चोर कहाँ से आ गया रे ये चोर आ गए हैं वो परफ्यूम वगैरह लगाएगी अभी वो थोड़ा इन सीधे हो लाज किसका ही हुआ एक बार सीधे रहो कभी वो अपना को ऑलरेडी 2 बजने को आए हैं तो हम तो रील वील बन गए हम तो लोग घर जा रहे हैं कल्पना एंगेजमेंट हो जाए तो फोटो वोटो भेज छोड़ गया और इनको अभी इधर हमारा आज का है नाश्ता पानी अब बहुत तेज भूख लग रही है तो पहले हम लोग खा लेते समोसे इधर हमारी ब्राइड को भी भूख लग गई है प्लेट भी बन दिया मैंने देखिए नाश्ता करवा रहे लोग हम लोग अभी ऊपर ही है मतलब नीचे वाला कोई भी अभी पूजा वूजा स्टार्ट नहीं हुई और मैं आप लोगों को नीचे का सीन दिखाती हूँ कुछ तो नीचे सब जेंट्स वगैरह इकट्ठा हुए हैं तो नीचे टेंट के अंदर सारे जेंट्स और जो भी लेडीज़ वगैरह वो सारे एक जगह हो चुके हैं अब आई थिंक पूजा वगैरह जो भी है वो स्टार्ट होने वाली है जल्दी हम लोग भी नीचे रहेंगे अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे बुलावा आ गया इनकी कास्ट में एक रिचुअल होता है जिसमें जो ननद होती है भाभी की वो ननद अपनी भाभी को पैरों में पायल पहनाती है और गले में जो भी सोने की चीज़ होती है वो पहनाती है तो हमारी ब्राइड तैयार होने के बाद में कुछ लग रही थी ऐसी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और जो एंगेजमेंट का व्लॉग है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी क्योंकि ऐसे जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी इतना अच्छे से देख नहीं पाओगे तो फर्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगी और सेकेंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगी बाय बाय गाइस कीप वॉचिंग